मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। पहले तो वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज अभिनव। माय सेल्फ भूपेंद्र सिंह फ्रॉम नेक्सा एकांश अंबाला। ओके सर, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारी न्यू एज बेलिनो 2022 वर्जन आया है। न्यू एज बेलिनो इसको नाम दिया गया है। ओके और काफी अट्रैक्टिव और बोल्ड लुक्स के साथ आई है। ओके और ये हमारा बेलिनो का सेकंड टॉप वेरिएंट जिसको कि जेटा वेरिएंट बोला जाता है। ओके इसमें फ्रंट से बात करूं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाएंगे, व्हाइट लाइट विद डे टाइम रनिंग, 3-डॉट सिग्नेचर लाइट्स आ जाएंगी। ओके और फॉग लैंप इसमें नहीं आ रहे हैं बट क्रोम आ रहा है। और फ्रंट से बात करूं तो नेक्स्ट वेव ग्रिल आ जाएगी विद सुजुकी लोगो। ओके ठीक है जी, ये लोगो भी इन्होंने बोल्ड करा है। हाँ, इस बार काफी बोल्ड किया हुआ है लोगो जो कि सुजुकी का फेथ रिप्रेजेंट करता है, जो कि काफी ईयर से लोगों का फेथ है सुजुकी पे। और साइड से बात करूं तो इसमें जो अलॉय व्हील्स आ जाएंगे वो 16 इंचेस के अलॉय व्हील आ जाएंगे, पेंटेड अलॉय आ जाएंगे जो कि गाड़ी को काफी बोल्ड लुक और स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रहा है। और साइड से बात करूं तो बॉडी कलर ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स आ जाएंगे जो कि गाड़ी की सेफ्टी को और लुक्स को काफी एनहांस करता है। ओके सर। और सर क्रोम डोर हैंडल आ जाएंगे विद कीलेस एंट्री स्मार्ट स्विच के साथ। ये बोथ साइड आ जाएगा दोनों डोर्स पे। रिक्वेस्ट सेंसर बोथ साइड है गाइस। इसका बेलिनो का न्यू एज बेलिनो का जो अपना रिक्वेस्ट सेंसर है, काफी सेल्टोस और क्रेटा जैसी गाड़ियों में भी सिर्फ सिंगल साइड ही ये रिक्वेस्ट सेंसर आता है। बेलिनो एक ऐसी इकलौती अपने सेगमेंट गाड़ी जो दो साइडेड अपना ये देती है। ठीक है, और बताइए भाई। विंडो क्रोम आ जाएगा ठीक है जी, जो कि गाड़ी के लुक्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करता है। और सर बी और सी पिलर जो है वो टेपिंग के साथ ब्लैक आ जाएंगे जो कि गाड़ी की लुक्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। और अब मैं अंदर से बात करूं गाड़ी की तो अंदर पे लेदर सॉफ्ट टच आ जाएगा जो कि गाड़ी को प्रीमियम लुक दे रहा है। और ब्लैक पियानो इंटीरियर आ जाएगा यहाँ पे। चारों पावर विंडो मिल जाएंगी आपको विद ऑटो डाउन एंटी पिंच टेक्नोलॉजी के साथ। एंटी पिंच इन द सेंस ये जो पावर विंडो ड्राइवर साइड की है, अगर आपका कोई भी हाथ या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये विंडो अपने आप बंद नहीं होगी, फिर दोबारा आ जाएगी, जिसके साथ कि आपको कोई भी किसी तरह की इंजरीज वगैरह नहीं होने का खतरा नहीं रहता। इनडोर क्रोम आ जाएगी जो कि गाड़ी को लुक्स काफी अच्छी दे रही है। ठीक है जी, इंटीरियर की बात करूं तो ब्लैक और ब्लू जो कि काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। नेवी ब्लू समथिंग डार्क सा ब्लैक जैसा रखा है। अभी इसमें थोड़ा ये चेंज किया गया है, पहले वाली बेलिनो से काफी ज्यादा बढ़िया इंटीरियर दिया गया है। सर देखिए, अंदर से बात करूं तो पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप दिया गया है जो कि आपको गाड़ी को कीलेस एंट्री देता है। आपको की निकालने की जरूरत नहीं है, पॉकेट में या पर्स में है तो आप कन्वीनियंटली गाड़ी में बैठिए और गाड़ी को आराम से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। बाकी अब अंदर आप बैठ के बता दीजिए इसमें और थोड़ा क्या है हमें। और सर इसमें अब हाइट एडजस्टमेंट जो कि हाइड्रोलिक सीट भी बोला जाता है, आप गाड़ी की सीट को हाइट को एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे। ये मतलब इस सेगमेंट में स्टीयरिंग अब चेंज किया गया है जो कि स्पोर्टी लुक के साथ काफी अच्छा स्टीयरिंग दिया गया है जी। और टिल्ट और टेलीस्कोपिक, ये टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों ही फीचर जिनमें एड ऑन है जेटा मॉडल में। और 7 इंच का प्रो स्मार्ट स्विच जो म्यूजिक सिस्टम दिया गया है जिसमें आपको इनबिल्ट वॉइस कमांड, अलेक्सा और सुजुकी कनेक्ट दिया गया है जो कि आपके स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि आप गाड़ी की हैजर लाइट्स को ऑन कर सकते हैं, गाड़ी के डोर लॉक हैं या अनलॉक हैं, आप गाड़ी के कहीं भी बैठे हुए ऑल ओवर द इंडिया अपने फोन से या स्मार्ट वॉच से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर सकते हो, गाड़ी की हैजर लाइट्स ऑन कर सकते हो। और गाड़ी की हेल्थ, गाड़ी का AC, गाड़ी की हर एक चीज आप अपने फोन पे या स्मार्ट वॉच पे ही चेक कर सकते हो। मतलब ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी वाली कार ही बना दी है, पूरी टेक्नोलॉजी आपको दे दी गई है। आप अपनी कार, कल को आपकी कार कहीं भी थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो आप गाड़ी अपनी ऐप से आपने कस्टमर केयर को एक फोन लगाना है और इनको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देनी है और आप अपनी गाड़ी जो चोरी हुई है उस गाड़ी का नंबर बताना है और आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप वहीं से ऑफ हो जाएगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, जो कि सेफ्टी रीजन से काफ़ी अच्छा है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी। और इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर अब दिया गया है, पहले जो आता था टो अवे अलर्ट, अब टो अवे ट्रैकिंग भी आ जाएगा। जैसे कहीं आपकी गाड़ी टो कर ली है तो उसको आप ट्रैक भी कर सकते हो कि मेरी गाड़ी टो करके ट्रैक करके कहाँ लेके जा रहे। सर अंदर से बात करूँ तो 7 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम प्रो
जिसको स्मार्ट प्रो म्यूजिक सिस्टम बोलते हैं, जिसमें आपको 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, ट्विटर्स मिल जाएंगे, गाड़ी में सुजुकी कनेक्ट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वो फीचर मिल जाएगा, जिसमें आप अपने फ़ोन में स्मार्ट ऐप को डाउनलोड करके, जिसमें आपके नेक्स्ट जेन सुजुकी कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करके, जिससे आप अपनी गाड़ी के साथ कनेक्ट रह सकते हो, गाड़ी को आप अपनी को ट्रैक कर सकते हो, गाड़ी की माइलेज, गाड़ी की रेंज, गाड़ी का फ्यूल, गाड़ी की हेल्थ, गाड़ी का एसी, गाड़ी की टो अवे ट्रैकिंग, गाड़ी के लाइट्स ऑफ कर सकते हो, गाड़ी के लॉक डोर अनलॉक लॉक कर सकते हो, हैजर लाइट्स ऑन कर सकते हो। अगर आप कहीं बेसमेंट में कहीं या मॉल में कहीं आपने पार्किंग कर दी है और आपको गाड़ी नहीं मिल रही, तो वो आप अपने फ़ोन से अलार्म को ऑन कर सकते हो, आपको गाड़ी की लाइट्स और अलार्म इंडिकेट कर देगा कि गाड़ी आपकी कहाँ पे खड़ी है। ऑटो क्लाइमेट एसी आ जाएगा, ये ऑन करके दिखा देंगे सर? जी सर जरूर, जिसमें कि आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल एसी मिल जाएगा, जिसमें आप गाड़ी का ऑटो मोड पे कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कर देगा, आपको कोई भी कंट्रोल करने की सेट करने की एसी की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली सारी एसी की फैसिलिटी इसमें मिल जाएगी, जो कि काफ़ी हाई एंड फीचर है, गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम बनाता है। और इसमें इनबिल्ट वॉइस कमांड मिल जाएगा, जिसमें आपके जैसे फ़ोन कनेक्ट है तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स, रेडियो और गाने जो कि प्ले कर सकते हो, गाड़ी नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो, ये काफी अच्छा फीचर्स दिया गया है। राइट राइट राइट। बाकी टच वगैरह की बात करें तो टच वगैरह स्मूथ है इसका, कैसे है? आगे से काफी अच्छा स्मूथ टच दिया गया है, पहले से काफी बेटर किया गया, पहले सिर्फ इसमें सिंपल एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड आता था, अब इसको प्रो फीचर दिया गया, जिससे कि आपको ओटीए, जिसको ओवर द एयर फीचर बोला जाता है, पहले कोई भी अपडेट आती थी तो आपको उस अपडेट को करवाने के लिए वर्कशॉप में जाना पड़ता था, लेकिन अब आप अपने स्मार्टफोन या वाईफाई से कनेक्ट होके कोई भी अपडेट है तो ओवर द एयर आपको अपडेट नेक्सा सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, आपके फोन से ही हर एक अपडेट आ जाएगी। अब जो इसको MID डिस्प्ले दी गई है, जहाँ मीटर्स दिए गए हैं, तो वो कलर्ड दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं इसमें, जैसे कि माइलेज, रेंज, और इसमें और भी काफ़ी फीचर्स हैं, जैसे आपकी गाड़ी का टेम्परेचर, गाड़ी का फ्यूल, गाड़ी के टाइमिंग और गाड़ी का टॉर्क, सब कुछ इसमें दिया गया है, टाइमिंग बताई गई है, गाड़ी के सभी इंडिकेशंस यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा जी, मैं बीच में देख रहा हूँ क्लॉक भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना हुआ था। अब इसमें एनालॉग और डिजिटल क्लॉक दोनों की ऑप्शन दी गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, आपको टाइम या दूसरी चीज़ें देखने के लिए इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी के सेंसर सेट कर सकते हो, लॉक सेट कर सकते हो यहीं से, गाड़ी की रेंज, ट्रिप, सभी कुछ यहाँ से ही सेट कर सकते हो। यहीं से आपको स्टेरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वॉल्यूम के और फ़ोन के, जो कि आप वॉइस कमांड यहीं से यूज़ कर सकते हो, फ़ोन को पिक और डिसकनेक्ट यहीं से कर सकते हो, गाड़ी को म्यूट, नेक्स्ट प्रीवियस मोड चेंज कर सकते हो, FM या रेडियो, या आप ब्लूटूथ मोड, जो भी मोड करना चाहते हो, तो यहीं से वीडियो प्लेइंग का ऑप्शन मिल जाएगा, USB कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको। राइट राइट सर। इसमें नेविगेशन GPS की सुविधा मिल जाएगी, एक्सेसरी सॉकेट किट मिल जाएगी आपको। ठीक है, जिसमें आपको लैपटॉप चार्जर या मोबाइल चार्जर आपको लगाने की सुविधा मिल जाती है। मैं आपसे पूछूं, अगर इसके प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है इस मॉडल की, जो सेकंड मॉडल जो आप ये बोल रहे हो, सेकंड टॉप जेटा मॉडल का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 8,09,000 है, मैनुअल गियर शिफ्ट में, और ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है। अब ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है, ऑटोमेटिक की जो एक्स शोरूम कॉस्ट रहेगी वो 8,59,000 रहेगी, सिर्फ 50,000 का डिफरेंस है। आप ऑटोमेटिक का भी जो आनंद ले सकते हैं, ऑटोमेटिक की भी फील ले सकते हैं, सिर्फ 50,000 एक्स्ट्रा पे करके, जो कि और सेगमेंट्स में इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में। और सर इसमें बात करूं तो अब जो है 6 एयरबैग्स दिए गए हैं, सेकंड टॉप वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जो कि सुजुकी ने इस बार सुजुकी को सेफ्टी का जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है, एयरबैग्स दिए गए हैं, ABS EBD दिया गया है, और ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको इसमें हिल होल्ड असिस्ट और ESP प्रोग्राम मिल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और हिल होल्ड असिस्ट मतलब जैसे गाड़ी आपकी चढ़ाई पे खड़ी है तो गाड़ी बैक नहीं आएगी। स्टोरेज की बात करूं तो आपको ड्यूल कप होल्डर मिल जाएगा, ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें आपके काफ़ी अच्छा स्टोरेज दिया गया है, और डोर्स में बात करूं तो आपको 1 लीटर बोतल होल्डर एवरी विंडो में मिल जाएगा, और मैगजीन होल्डर भी मिल जाएगा आपको इसके साथ। राइट, ठीक है जी, आपको बोतल्स या आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह कैरी करने के लिए आपको अलग से कोई चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गाड़ी में 4 ही विंडो में 1 लीटर बोतल होल्डर मिल जाएगा, और कप होल्डर भी मिल जाएगा।
और रियर फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा आपको, यूएसबी और सी टाइप दोनों। फास्ट चार्जर आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी फास्ट चार्जिंग है। और रियर में बात करूं आपको हेडरेस्ट जो है हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएंगे इसमें, और 60-40 स्प्लिट का सीट का ऑप्शन आ जाएगा आपको। 60% और 40% रेशो के साथ आप सीट्स को फोल्ड कर सकते हो। जैसे आप तीन जने सफर कर रहे हो तो इस सीट को फोल्ड कर सकते हो, चार कर रहे हो तो उस सीट को फोल्ड करके आप बूट स्पेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। लगेज ज्यादा हो तो ये बहुत प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली हर गाड़ी में नहीं होता, ये हर गाड़ी में नहीं मिलेगा। तो चलते हैं इसके बैक साइड में। बैक साइड में बात करूं तो सर रियर स्पॉइलर आ जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जिसमें एलईडी आ जाएगी, जो कि दूर से आपको गाड़ी की सेफ्टी पॉइंट से काफी अच्छा है। रियर में डीफोगर आ जाएगा विद वाइपर एंड वॉशर, जो कि आपको रेनी सीजन और फॉगी सीजन में मिस्ट क्लियर करने के लिए काफी अच्छा रहता है। रियर में ये क्रोम आ जाएगी और विद कैमरा आ जाएगा, रियर कैमरा आ जाएगा, ठीक है जी। और रियर में बात करूं तो आपको 3-डॉट सिग्नेचर इसमें भी टेल लैम्प मिल जाएगी एलईडी के साथ। ये भी एलईडी में है, ये भी एलईडी है, बहुत बढ़िया है इस बारी। और रियर में पार्किंग सेंसर 4 आ जाएंगे, जो कि सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। और रियर में बूट स्पेस की बात करूं तो बूट स्पेस काफी एम्पल है इसका, 318 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा आपको। काफी डीप है ये, वो काफी ज्यादा डीप है, इसमें ही आपका स्पेयर व्हील आ जाएगा। स्पेयर व्हील कितने इंच का मिलता है? स्पेयर व्हील 15 इंच का मिलेगा आपको। ओके, ठीक है जी। और सर रियर में आपको लगेज लैंप भी मिल जाएगा, ओके, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि काफी कन्वीनियंट रहता है आपको रात के समय में यूज करने के लिए। और पार्शियल ट्रे मिल जाएगा जो कि रिमूवेबल है, आपको इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है जी। और सर अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की, सेफ्टी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इसमें आपको नेक्सा सेफ्टी शील्ड मिल जाएगा विद सुजुकी टेक बोर्ड, टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हाई इंटेंस स्टील यूज किया जाता है, जिसको जिससे कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। अभी मैंने ये भी सुना है कुछ रिसेंटली नेक्सा वालों ने इसका वेट भी इंक्रीज करा है। इसका 70-80 kg वेट इंक्रीज किया गया है, i20 से भी अब वेट इसका ज़्यादा कर दिया गया। तभी इसका सेफ्टी रेटिंग्स में काफ़ी इस बारी जो सेफ्टी रेटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर दी गई है। और साइड इफेक्ट इम्पैक्ट बीम्स आ जाएंगे इसमें, ओके, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसमें आपको फुल फ्रंटल ऑफसेट, जैसे कि गाड़ी साइड से भी हिट करेगी ना, तो गाड़ी के कैबिन में आपको कोई ज़्यादा इंजरीज या ज़्यादा वो महसूस नहीं होगी। और सर आपको आइसोफिक चाइल्ड सेफ्टी सीट जो कि बेस वेरिएंट से ही मिल जाएगा, वो बेस वेरिएंट से ही बेस वेरिएंट से आपको ABS, EBD और ये नेक्सा सेफ्टी सीट और जो कि इसके सीट बेल्ट है वो भी आपको प्री टेंशनर 4 सिलेंडर मिल जाएंगे, जैसे कि फोर्स आता है तो वो अपने आप रुक लेता है। और इसमें स्पीड सेंसिंग का लाभ मिल जाएगा, वो 80 से एक बार बीप करेगा और 120 में लगातार बीप करता ही रहेगा। वो आजकल हर गाड़ी में ही आ रहा है, वो ड्यू टू गवर्नमेंट के लॉ के कारण करना पड़ रहा है। बेस मॉडल से आपको ABS, EBD और सर ड्यूल एयरबैग उसमें मिलते हैं। अब इसमें जो है इस पीरियड में आपको 6 एयरबैग। और अब अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आ जाएगा। इसकी पार की बात करूं तो 66 kW 6000 RPM की आपको पार मिलेगी और टॉर्क मिलेगा 113 RPM का, जो कि 4400 RPM पे आपको मिलेगा। इसमें आपको इंजन में आइडल स्टार्ट स्टॉप की ऑप्शन मिल जाएगी, जैसे ही आप लाइट्स पे या कहीं पे आप ब्रेक प्रेस करके क्लच प्रेस करोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। जैसे ही क्लच प्रेस करोगे गाड़ी रीस्टार्ट होगा। वो उसके लिए स्पेसिफाइड एक बटन उसके अंदर आपको अंदर आपको बटन एक दे रखा है जिसपे ए का साइन दिया होगा, वो आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए। सर इंजन की बात करता हूँ, पहले मैं आपको सेफ्टी बता रहा था, तो सर एक बार आप इसकी हुड को पिक करके देखिए कितना हैवी कर दिया गया, मतलब काफी हैवी और इंसुलेशन काफी। और सर इंजन देखिए, अब जो नीचे से है ना इसको कवर कर दिया गया है, जो कि गाड़ी की सेफ्टी को और गाड़ी के इंजन को काफी सेफ रखा गया है। गाइस मैं आपको एक सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट ये इंडिया के अंदर नीचे से कवर करना ना, ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट थिंग है इस सेगमेंट में। ये पहली गाड़ी है जिसमें ये चीज आ रही है। राइट, ये कभी किसी में, मतलब मैंने भी पहली बार इस सेगमेंट की गाड़ी में सुना है कि ये, मतलब मारुति ने इस बारी
बहुत अच्छा काम, माइलेज काफी ज्यादा इसकी इंक्रीज की गई है। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 22.35 पर लीटर की माइलेज मिलेगी और ऑटोमेटिक में मैनुअल से ज्यादा माइलेज मिलेगी, ऑटोमेटिक में आपको 22.94 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी, क्योंकि माइलेज को भी काफी वेट बढ़ने के कारण माइलेज कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ाई गई है, क्योंकि मारुति ने टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा हेरफेर, काफी ज्यादा चेंजेस किए। और मतलब इसकी स्मूथनेस की बात करें, अगर इसकी ड्राइव स्मूथनेस की, सर ड्राइव स्मूथनेस आगे से बहुत ज्यादा बढ़िया कर दी गई है। आप ड्राइव करोगे तो आपको पता चल जाएगा, वैसे भी ये अपने सेगमेंट में हाई सेलिंग कार है जो कि 1 मिलियन से क्रॉस कर चुकी है नवंबर 2021 में। तो अभी ये जो न्यू एज आई है तो सर ऑलरेडी काफी ज्यादा बुकिंग्स और काफी ज्यादा डिमांड पे चल रही है, क्योंकि इस सेगमेंट में इतने फीचर, इतने सेफ्टी फीचर, इतने फीचर मिलना ये अपने आप में एक बोर्ड पर। नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। मेन थिंग है भूपिंदर जी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे शोरूम के अंदर हैं, नेक्सा अम्बाला सिटी के अंदर, जो हम इतना अच्छा रिव्यू आपको दे पाए। होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी हमारी। आप जरूर आइए सर, जब भी आपके पास टाइम मिले आपको एक बार ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी दिखाएंगे बेलिनो का, जो कि काफी ज्यादा रिफाइन कर दी गई है आगे से, और ड्राइविंग काफी ज्यादा स्मूथ है, जो कि कस्टमर्स को और ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि गाड़ी चूज करने में कौन सी गाड़ी हमने चूज करनी है, कौन सी परचेज करनी है, इस सेगमेंट में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी आप ये वीडियो देखिए, सर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और बेलिनो के रिव्यूज देखिए, और ऑल द बेस्ट सर के लिए, बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, आपका चैनल दिन रात दोगुनी तिगुनी चलती रहे। थैंक यू सो मच भूपिंदर जी, थैंक यू सो मच।